नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी। आई रुख करते हैं खबर की ओर। इंदौर का सिंगिंग कॉप दस्तान की आदित्य का गाना गाकर ट्रैफिक संभालने का अनोखा अंदाज। शहर में डांसिंग कॉप के बाद अब 10 साल के सिंगिंग कॉप आदित्य तिवारी ने शहरवासियों का ध्यान खींचा है। आदित्य तिवारी पलासिया चौराहे पर गाना गाकर लोगों को यातायात ट्रैफिक के नियमों का पालन करने का संदेश देते हैं। हर दिन शाम 5 बजे से 6 बजे तक आदित्य भंवर कुआं चौराहे पर अपने गीतों के माध्यम से ट्रैफिक को व्यवस्थित करते हैं। उनका यह अनोखा तरीका लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। आदित्य का कहना है कि संगीत के जरिए लोगों को जागरूक करना आसान होता है। उसके गानों में यातायात ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश होता है, जिससे लोग प्रभावित होते हैं और उनके द्वारा दिए गए संदेश को अमल में ला रहे हैं। साथ ही हेलमेट लगाने वालों को मेरे हाथ से ही बना हुआ ग्रीटिंग भी मैं उन्हें देता हूं, और उसके साथ ही जो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं उनसे हेलमेट लगाने की गुजारिश करता हूं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद लोग आदित्य की तारीफ कर रहे हैं और उसे इंदौर के लिए गर्व की बात बता रहे हैं। आदित्य ने अपने सिंगिंग टैलेंट का इस्तेमाल करके एक अनोखा उदाहरण पेश किया है, जो यातायात यानी कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करना सीखना है और साथ ही समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। खबर में बस इतना ही, बने रहें सीआईडी न्यूज के साथ।